नमस्कार, मैं उजिंगर दाऊ और हम फिलहाल जो मौजूद हैं हाफलोंग डिमासो डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी ऑफिस उसके ठीक सामने, यानी कि जो स्टेट बैंक का जो वेटिंग सेट उसी पर एक पैनल बना करके सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी द्वारा आज हंगर स्ट्राइक का धरना शुरू किया गया है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिसमें मौजूद हैं विभिन्न पॉलिटिकल लीडर्स, यानी कि ऑपोजिशन जो लोग हैं, ये जैसे कि आम आदमी पार्टी का या तृणमूल कांग्रेस या फिर कुछ पिछले में जो एक्टिव जो सीएम या फॉर्मर एमएलए जो एसडीसी के समय में वो लोग एक नेता थे, तो उनमें से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सिर्फ डिमासा मार या रंगकोल या कोई काशी, हर एक ट्राइब से यहाँ रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हम नज़र आ रहे हैं, जिसमें से हम देख पा रहे हैं कि कुछ लोग माईबंग से भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम एक एक करके हम आज का जो मेन मुद्दा क्या है, इसका कारण क्या है, उसको भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पूछेंगे कि यहाँ आम आदमी पार्टी के द्वारा जो एक पॉलिटिकल का या हम युवा नेता जो ऑपोजिशन की तरफ से जो युवा नेता है उन जिसका नाम हम काफ़ी वो सोशल मीडिया पर भी एक पॉपुलर हैं, हमारे सामने बहुजीत लांगटाजा जी हैं, उनसे हम जानने के लिए कोशिश करेंगे आज का जो आप लोग यहाँ बैठने का कारण क्या है। तो हमने देखा कि आप लोगों ने पिछले 30 तारीख मार्च को काउंसिल में एक मेमोरेंडम दिया है और उसके अलावा भी एक माईबंग सब डिवीजन में एक बड़ा सा रैली किया जिसमें लगभग 6-7 हज़ार इकट्ठा होकर के आप लोगों ने एक रैली किया। तो आज उसके अलावा भी यहाँ हंगर स्ट्राइक करने का मेन कारण क्या है? हम लोग हो जाता है तो हम लोग का काउंसिल का बहुत पावर डाइल्यूट हो जाएगा, हम लोग का ट्राइबल राइट्स का बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, हम लोग का ट्राइबल राइट्स वो लोग छीनने मांगता है वो तो, और ये हम लोग का 5 डिमांड है। और एक तो इमेज जो हम लोग का यहाँ काउंसिल में जो जीपी प्लान बोल के चालाकी है उसको विड्रॉ करिए। तो इस तरह से हम लोग हर एक जन से भी हम लोग इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश करेंगे। उसकी हम आगे चलते हैं कि आज के जो कोऑर्डिनेटर तो दिनी लंगटा सर जी यहाँ मौजूद हैं। बेरागिरे अच्छा आज ही आम यार सिक्स शेड्यूल आपुनी मेघालय जाबो ना आसाम थाकिबो, आमी हेई समय मेघालय जोवा नाय आसाम थाकिसिलु, आमार लॉयल्टी टू आसाम आसे आजिर लगे आसे, हेई कारणे आमी अखोमत अखोमर कल्चर अखोमर फॉर एग्जांपल इटु 2019 ओर मेनिफेस्टो बीजेपी मेनिफेस्टो आजि आमी इटु हंगर स्ट्राइक टू कोनो पॉलिटिकल पार्टी एगेंस्ट करा नाय, इनफैक्ट आमार कमिटी ऑल पार्टीज पार्टी मेम्बर्स मय कम सपोर्ट दि आसे, किन्तु इटु 2019 मेनिफेस्टो 2024 बीजेपी मेनिफेस्टो एक आसिले, किन्तु मय आना नाय ताते नंबर 1 की लिखा आसे आपुने सोआ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A इटु नंबर 1 नट माने जदि बीजेपी आपुनि वोट दिए आरु जिके एटु इम्प्लीमेंट करिम आमी एटु तो मेन एवरी इलेक्शन 2016 एमएलए इलेक्शन 2019 एमपी इलेक्शन तार पासत काउंसिल इलेक्शन तार पासत आकु 2021 एमएलए इलेक्शन तार पासत आकु 2024 एमपी इलेक्शन आरु काउंसिल इलेक्शन आमी जिकाय आसु आरु आर्टिकल 244 इम्प्लीमेंट करिम 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 कोई बीजेपी ভালকে ভোট পাই আছে জিকি আছে হেই কারণে মই বুজা নাই অপোজিশন তো কোনো নাই ইভেন কংগ্রেস পার্টি লাস্ট টাইম রাহুল গান্ধী নিজে কইছে যদি কংগ্রেস পার্টি জিকে আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দিম বিজেপি তো কই আছে আমি ইমপ্লিমেন্ট করিম আর বেলেগ তো কোনো অপোজিট তো নাই ইভেন এএসডিসি পার্টি তো পুরা এটু হিটু মুভমেন্ট লই চলি আছে ইভেন এপিএইচএলসি সাপোর্ট দি আছে আম আদমি পার্টি টিএমসি যিমান পলিটিক্যাল পার্টি আছে আর যিমান সংগঠন আছে অর্গানাইজেশন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন হোক ন কমিউনিটি হোক সব তো আর্টিকল 244 খুঁজি আছে কিন্তু এতিয়া লগে সরকার আমাক এটু দিয়া নাই সেই কারণে আমি এতিয়া আজি এটু করছো এজ এ প্রটেস্ট মানে পুরা সেন্ট্রাল লেভেল স্টেট লেভেল
আমার আওয়াজটো ওয়ান্স এন্ড ফর অল ফাইনাল আমি ডু অর ডাই মানে এটু যাব কারণে আমি আরো রখিব নোৱাৰো কারণ আমার অলরেডি এক্সিস্টিং সিক্স শেডিউল পুরা ভাইলেট হয়ে আছে ইয়াত গ্রাম পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান সুমাই দিছে আনকনস্টিটিউশনালি প্লাস আপুনি এতিয়া চাওক উমরাংস ল্যান্ড পুরা মাইনিং কারণে সিমেন্ট ফ্যাক্টরির কারণে এই নিজের মানুষ পারমিশন দিয়া নাই ট্রাইবেল মানু গামবুড়া কিন্তু কোম্পানি আহি লই লইছে এনেকুয়া হয়ে আছে এতিয়া সেই কারণে সিক্স শেডিউল আর ট্রাইবেল রাইটসর ট্রাইবেল ফিউচার প্রটেক্ট করব কারণে আর নট জাস্ট ট্রাইবেল ইয়াত নন ট্রাইবেল বহুত মানু আছে ইয়াত নন ট্রাইবেল বলে কয় কিন্তু ইয়াত যুন নন ট্রাইবেল আগরপরা বহে হয়তো ট্রাইবেল নিচিনাই হয়ে গল ইয়াত সেই কারণে আমি ভাই বন্ধু বিলাক সব মিলি এতিয়া আর্টিকল 244 এ অটোনোমাস স্টেট ডিমান্ড করিম আর লাগিবই লাগিব আর উপায় নাই ভাত না খাই বহিম পানি তো অল্প খাব লাগিব কিন্তু ভাত না খাই এক সপ্তাহ আমি এটু করেছো কিন্তু ইয়াত আমার বহুত সিনিয়র মেম্বারও আছে তার হেলথটু অল্প চাব লাগিব অবভিয়াসলি এই কারণে মই এপিল করে আছো ভারত সরকার আর আসাম গভর্নমেন্ট ইমিডিয়েটলি আপনার নিজের যুক্ত প্রমিস আছে আর্টিকল 244A এইটু সোনকালে ইমপ্লিমেন্ট করক এটু আমার এপিল এটু আমি এজ এ সিম্বলিক প্রটেস্ট করে আছে এইটু আমার ডিস্ট্রিক্টত আগতে এনেকুয়া উইক লং হাঙ্গার স্ট্রাইক হওয়া নাই এই কারণে আমি ফার্স্ট টাইম আমি বহিছো এই কারণে উইক লং আমি পারমিশন সুদিছো কিন্তু তারপর চাম কেনেকুয়া হয় যদি ওয়ান উইকর ভিতর কিবা রেসপন্স আহি যায় সরকার নহলে এনি স্টেক হোল্ডার ভারত সরকার হোক আসাম সরকার হোক কাউন্সিল হোক আমি চাম আমি কল অফ করব পারো যদি নহয় আমি চাম নেক্সট স্টেপ আমি কি লম স্টেপ বাই স্টেপ যাম ঠিক আছে আপলোগনে শুনা কি জিস তরহ সে ব্যানার পে লিখা গিয়া হ্যাঁ উসকে আলাভা ভি আজ কা জো ইয়াহ হাঙ্গার স্ট্রাইক করনে কা জো মেন মুদ্দা হ্যায় উসকো বিস্তার রূপ সে বতায়া উসনে ইয়ে ভি কাহা হ্যায় কি ইয়ে তো সিপ সিম্বলিক হ্যায় অর ইসকে আলাভা ভি অন লোগ অর আগে জানে কা মজবুরন হো সকতা হ্যায় ইসকে আলাভা ভি লেকিন হম কোশিশ করেঙ্গে কি হাফলং হিন্দি মে কোই বোলে তো হামারে সামনে মৌজুদ হ্যায় ফর্মার এমএলএ ইয়া এক্স সিএম জো মাইবং সে আয়ে হুয়ে হ্যায় হামারে সামনে সমরজিৎ হাফলংবর জি হ্যায় উনসে হম হাফলং হিন্দি মে আর রিকোয়েস্ট করেঙ্গে কি আমারা লোকাল লোক কে লিয়ে আজকা যো মেন কারণ হ্যায় উসকো বিস্তার সে বতাই আসামিস মে ভালে হে দিনেল স্যার সে হাম লোক ঠিক হ্যায় সুনে হ্যায় পর লোকাল কে লিয়ে ও হিন্দি মে আপ বলে আজকা যো সিক্স শিডিউল প্রোটেকশন কমিটি কে তরফ সে এক অনসন কা প্রোগ্রাম যো হাঙ্গার স্ট্রাইক বলতা হ্যায় উস প্রোগ্রাম কা মেন যো মুদ্দা হ্যায় যো ডিমান্ড হ্যায় সরকার কে সামনে মে গন্ডা সভা মেয়ে রাজ্যসভা কাজ বিল হামলোক দেখা উসমে কুছ এসে হ্যায় ক্লোজ যো জিসমে ভোটার লিস্ট প্রিপেয়ার করে তো ইস তরহ কা আগর হোগা তো এগজাম্পল যে লাস্ট ইলেকশন কাউন্সিল কা ইলেকশন যো হুয়া উসমে ভোটার লিস্ট হামনে দেখা কি অ্যারাউন্ড 15.6% বাড় গিয়া ইনক্রিজ হুয়া হ্যায় 19,624 বুট বাড় গিয়া হ্যায় তো পহলা এসা নেই হতা পহলা কাউন্সিল কো ইনভলভ করতা থা ভোটার লিস্ট বানানে মে উসমে অ্যারাউন্ড 1% ভি ভোটার লিস্ট নেই বাড়তা হ্যায় লেকিন ইস বার মোর দেন 15% ভোটার লিস্ট বাড় আর্টিকল 244 কো ইমিডিয়েটলি দিয়ে দিয়া যায় তাকি যো লিডার ট্যাক্সেস জো হ্যায় ইয়া কা যো জিতনা ভি রেভিনিউ জো হ্যায় কমিশন কাজ মে চলা যায় তো কুছ সমস্যা হো সকতা ইসকো রিভিউ কিয়া যায় তাকি হামে সেপারেটলি এক ফাইন্যান্স কমিশন সেট আপ কিয়া যায় তাকি যো জিতনা ভি সিক্স শিডিউল কাউন্সিলস হ্যায় উসকো আন্ডার মে এক সেপারেট ফাইন্যান্স কমিশন হওয়া যায় তাকি হাম ডাইরেক্ট ফান্ডিং সিস্টেম হাম লোক কর সকে অ্যাকর্ডিং টু আর্টিকল 280 তো ইয়ে মাং হ্যায় হাম লোক কা তো মুঝে লাগতা হ্যায় কি ইয়াহ কা যো রুলিং হো যো ভি হো পিছলে বার হাম লোক দেখা কি जो डेलिमिटेशन जो हुआ है हमें एम पी एस और एम एल एस का जो अकॉर्डिंग टू द डेलिमिटेशन एक्ट 2002 उसके हिसाब से डेलिमिटेशन हुआ उसमें कार्वेलोंग से एक सी एम उसने विस्तार रूप से जो काउंसिल का जो पी आर सी एक तरफ बहुत स्ट्रिक्ट किया जा रहा है लेकिन उसने कहा कि वोटर लिस्ट के बारे में अगर देखा जाए
तो वोटर लिस्ट में इतना स्ट्रिक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। पिछले का जो वोटर लिस्ट का जो इंक्रीज का परसेंटेज प्रतिशत के मुकाबले इस बार 15% ज़्यादा हो चुका है। इसका भी एक ट्राइबल लोगों के लिए एक खतरा है, इस तरह से भी बताए हैं। तो हम अभी जाएंगे, हमारा जो एक लीडर है, वुमेन लीडर, एक समय में डिमासा मर्डर एसोसिएशन का भी एक लीडर थे और उसने ऑपोजिशन के रूप में भी पॉलिटिकल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। उसे हम डिमासा भाषा में हम लोग कोशिश करेंगे कि डिमासा भाषा में आप बोलें। आज का जो हंगर स्ट्राइक जिन व्यूअर्स ग्रेप हम हिंदी के बुझी एरब जिमासा फर्स्ट डे अटे जिंग सैमुआलै डेंमा जिया हि लिंगिया हि डोंमा रंगसारि एरानिं डोंमा उलेबा सिखाबो जिनि बु कमिटिनि बिसिंहा खिसा सावहामे एरावबो दं अटेबानि ख्रिबला उलि साइन हरला जियाइला दं फुनांनिया सिखाबो जिं ब्लाइबालै लैला जिं डोंमा एराहा उलि स्टादा जिं दिनि फाइनिं गिरिखा जिं इबु स्कां हाबो जिं 30 मार्च हाबो जिं मासि मेमोरेन्डम रिखा जिनि गेदेनिफ्रां अदे फिन बुनि हन हाबो जिं 27 मे हाबो जिं माइ बांहा रेलि मासि देंखा जिनि इबुदिनि दि माबमुआ जिं दिनि डिमान्स देंदु इबु डिमान्स नि बसावहा नादिबा गेजेसि नादिबा अपस खालायगिनेबा दंबा रिभिउ खालायगिनेबा दंबा बुथुके लादादा जिं इफाथ' नांलायिन दंबा सिखाबो दिनि ससि जिं गभमेन्ट गेदेनसां मुचि रेसपन्स माइया स्टार्टआपबो दंबा स्टेट डिमांड कमिटी स्टार्टआपबो सिखाबो बु समय हाबो जों माइफियाखा इमप्लिमेन्ट खालायजाउयाखा सिखाला जिनथानेला इबु स्टेटला जिनथानेला नां नांदु जिनथाने अदेबानि बुखे मासि जों देंबा अदे दुहा मासि पार्लियामेन्ट हा टेबिला सहिदादा दं 125 द कन्स्टिटिउसन अफ 125 एमेन्डमेन्ट बिल गबु 19 नि गबु बिल दुहा टेबिला पा जाहि दं बु पास जालांदु सिखाला जिनि ट्राइबल नेखल रादा हम चिनिंग हमे अब जिनिस और दों पॉइंट्स बुथु बुखे जिंग रिव्यू क्लाइमा नांग जाऊ रिवाइज क्लाइमा नांग जाऊ स्लाइमा नांग जाऊ नादि हामिया बुखे जिंग रानसंग हाइकमा नांग जाऊ बुमासी जिनि डिमांड और 2019 हा 2022 हा हाईकोर्ट फंग मासी ऑर्डर माइखा जिंग नलै सारावला बिलि दुखु जिं जु हारो संदादानि बसाबिसेक लाइसफोर रेबासे हामलै बंलै थां गाइदादा फाइनदादानि जिं आनसराव लाइसफोर रेदु जु दिक्सदिगिन संदादानि जिं जु बिथल जिबथल गेन फाइनदादानि जिनि नलै साराव बसाबिसेक लाइसफोर रेदु दे स्केला इबु जिनिसला जिनि दिमा सानि खलाइदादा जिनि ट्राइबेलन्स खलाइला जिंला हाम दावबाला जिंला बावफुया डेभलपमेन्ट जाबा बावया जिं दे इबुदे हामिया दावबासे जिं दिमा स्रावखे दे गिलिक दावरिबासे जिनि दिमा हासावदे पुरा गिलिक समासे जि जिंला बावदु अरेबानि बुथुख्रेब खेलादा जिं हामसिनि इबु डिमान्डस बुथुखे जिं नांजावबान खेलादासे गाबा फायबा अरेबानि जिं कमिटि गेदेनेसां आं अदे जिनि कमिटि सारन गेदेनसां मासि खाइनसुदु एराहा इबु खुसिखे सारबा पार्टि दादां सारबा अर्गानाइजेसन दादां सारबा हसम गेदेफां दादां अदेनिया ख्रेब ब जार्नि ब्लाइबालायले दां दादा से जिनि इबु खुरांखे जिनि इबु बयस के जिं सेन्ट्रेल लेभेल दुआबो ख्लाइबासे उलिनिं ख्लाइफालां हसम गेदेफां ब ख्लाइफाय नादिनि सिखाला सेरेनि खुरां हामदाव सेरेनि बयस रावदाव सेरे थावरि फुनां बुगिसे जिं नायमानांबा इबु खुसिखे दामगा पार्टि दांथावया दामगा अर्गनाइजेसन दांथावया दामगा हसम दादां उदे दाबावलायथिं दाथिलायथिं जिं एराहा जुरुलाय। तो हमारे साथ मौजूद हैं जो पिछले जेएनएस में वो एक्टिव मेंबर या डिमासा जाति के नाइशो सम का एक लीडर रहे हैं बीसी लंगटासा जी फिलहाल वो भी यहाँ सपोर्ट करने आए हैं। तो उनसे भी हम कोशिश करेंगे कि अपने एक क्या कहना है। हम ये बोलना चाहता था जो दूसरा कुछ दूसरा जो इधर मैं पांचवा हाईकोर्ट का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया। ये इसमें हम बहुत
अफसोस है, इसलिए कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ है और पिटीशन में हम यूएसएफ एरिया ना आउटसाइड फॉरेस्ट लैंड स्टेटस है, इसको काउंसिल से इमीडिएटली हमारा माफी। बहुत आदमी लोग सफर है, अभी अभी हम चिट्ठी पोस्ट करके आया, इसमें हमारा सब्जेक्ट का मैटर है। एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू फर्निश द रेट ऑफ कंसेशन एज लिमिट बाय द गवर्नमेंट इन द केसेस ऑफ फॉरेस्ट रॉयल्टी व्हेन एनीबॉडी क्रिएट्स ए प्लांटेशन ऑफ फॉरेस्ट स्पेसेस। आउटसाइड द सिक्स शेड्यूल एरिया ऑफ असम, हम लोग का सिक्स शेड्यूल एरिया में हम लोग जितना भी प्लांटेशन क्या है, कोई भी इसको ऑपरेशन करने के लिए काउंसिल से परमिशन नहीं मिलता है, और परमिशन देने से फुल रॉयल्टी देने लगेगा बोल के आपका पास में नहीं है। नॉन फॉरेस्ट्री लैंड काउंसिल से ठीक है, इसके अलावा भी हम फिर से डेनियल जी के पास जाएंगे कि वो पिछले असमीस में बोला था लेकिन फिलहाल हिंदी में वो बोल रहे हैं। अभी ऐसा है कि सिक्स शेड्यूल एरिया में रह के हम लोग उनका सिक्स शेड्यूल का राइट्स का वायलेशन हो रहा है। यहाँ हजार हजार एकड़ बीघा और सेफ नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ आज अनशन में बैठे हैं, हम लोग यहाँ आज हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं, और हम लोग ये हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू कर रहा है, और हम लोग बोल रहा है कि सिक्स शेड्यूल को बचाओ, सिक्स शेड्यूल को बचाओ, सिक्स शेड्यूल का वायलेशन हो रहा है। एक तो है आर्टिकल 125 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो अमेंडमेंट है जिससे हम लोग का सिक्स शेड्यूल का काउंसिल का पावर खत्म हो जाएगा, हमारा खुद का अपना इलेक्ट्रोल रोल, अपना काउंसिल का इलेक्शन कंडक्ट करने वाला पावर चला जाएगा, और इसलिए हम लोग के साथ में और कुछ रास्ता नहीं है। इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहता है हमारा भारतीय जनता पार्टी को, हर आप लोग हर इलेक्शन में 2014 से लेके अभी तक हम लोग का यहाँ में 7 इलेक्शन हो गया है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, उसमें से इलेक्शन में कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बहुमत से जिताओ, तो हम लोग आप लोग को नंबर वन जो वो लोग का प्रॉमिस रहता है हमेशा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A, तो आज हम भारत के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 244A में क्या लिखा है कि असम के अंदर में ट्राइबल लोगों के लिए एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया जाएगा, वो लोग का कल्चर और वो लोग का लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये हम लोग को क्यों मिला था, क्योंकि 1969 में जब असम का बंटवारा हुआ था और मेघालय फॉर्म हुआ था, तब हमें भी ऑप्शन दिया गया था नॉर्थ कचार हिल्स को उस टाइम में और मिकिर हिल्स को कि आप लोग मेघालय में जाओगे ना असम में रहोगे, तब हम लोग ने असम में रहना चुना, क्योंकि असम का जो कल्चर है उसका साथ हम लोग का मिलाव है, हमारा ज़्यादा संबंध है, इसलिए हम लोग असम में रह गए। लेकिन हम लोग को ये वादा दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया था आर्टिकल 244A कि आप लोग को एक ऑटोनोमस स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ असम दिया जाएगा। लेकिन अभी 55 ईयर्स हो गया है ये आर्टिकल 244A आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम लोग आज यहाँ हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं और सरकार को बोलना चाहता है कि कोई भी इसको अपोज नहीं करता है, अपोजिशन भी पार्टीज भी बोलता है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी बोलिए, ASDC, APHLC, TMC, आम आदमी पार्टी सब भी बोल रहा है कि आर्टिकल 244A चाहिए, और BJP पार्टी तो खुद यहाँ में राजनाथ सिंह भी आया था हम लोग को यहाँ में डिफू में आके बोला था कि हम लोगों आर्टिकल 244A इम्प्लीमेंट करेगा। हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंत बिश्व शर्मा जी ने 2 महीना पहले बोल के गया कि हम लोगों को जिताओ BJP पार्टी को, आर्टिकल 244A को इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग। इसलिए अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया लेकिन आर्टिकल 244A के बारे में सब भी भूल गया जैसे हमेशा होता गया है, इसलिए इस बार तो हम लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे और हम लोग को नॉन वायलेंट वे में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। पहले भी बहुत खून खराबा हुआ हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में, बंदूक उठाया ऑटोनोमस सेपरेट स्टेट मांगने के लिए, आज हम लोग बंदूक नहीं उठा रहे हैं, हम लोग अनशन में हैं, हम लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं,
ताकि हम लोग को ऑटोनोमस स्टेट मिले, ये है हमारा मेन डिमांड। तो जैसे कि पहले भी वो असमीज में बोले, लेकिन और फिर से दोबारा उसने हिंदी में बोले हैं सिम, जो उन लोग का मांग जो है। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि दिवेन तौसेन जी जो एक पुलिस स्टेशन करने जा रहे हैं, डेनियल लंगतसे जी को वो पुलिस स्टेशन कर रहे हैं ताकि इस हंगर स्ट्राइक को उनके द्वारा लीड किया गया है। और साथ में दीपाली हापिला को भी उन्होंने प्ले स्टेशन किया है। उसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं यहाँ तीसरा जो प्ले स्टेशन वो जोएल गॉडलेस जी को दिया गया है। तो साथ ही साथ ये प्ले स्टेशन करने का और आपका तरफ से आज का जो ये हंगर स्ट्राइक के बारे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे, यानी कि हमारा जो व्यूअर्स या दिमाग के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो आज यहाँ दिमाग का जनता लोग आज से हंगर स्ट्राइक भी हो रहा है और बहुत मैंने गैबरनेस है, ज़्यादा गैबरनेस हम लोग के दिमाग जनता के लिए फैला। तो किस वजह से, क्योंकि आज हंगर स्ट्राइक हो रहा है वो तो हम लोग पता मिला कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 2019 को जो एक तो बिल ड्राफ्ट करके रखा है, जो उसी बिल में मैं भी सबको देखा है कि 280 आर्टिकल को लेके उसमें कुछ गड़बड़ हुई लोग हम लोग को दिमाग का बारे में ये लोग दिमाग के खिलाफ में बहुत गलती लिखा हुआ है। जैसे हम लोग का जो पहले से हम लोग का जो राइट था वो अधिकार था उनको वो लोग छीन के ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन यही है कि हम लोग सब इतने दिन बीजेपी बना है, हाँ हम लोग बीजेपी क्यों बना है, देश अच्छा होने के लिए सबका साथ सबका विकास से बोल रहा था, सबका उन्नति होगा बोल रहा था, इसीलिए हम लोग 2001-2 से बीजेपी आज तक भी हम लोग बीजेपी में वोट दिखे आया है। एक समय मैं भी खुद डिस्ट्रिक्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट था तो बहुत हम लोग तकलीफ किया है बीजेपी के जिताने के लिए, बीजेपी के बहुमत ले आने के लिए दिमाग सब पे MLA हो या MEC हो MP हो। जैसे हम लोग 2014 को तकलीफ किया फर्स्ट नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जो बना उसी सिलसिले में हम लोग बहुत तकलीफ किया, उसके वजह से हम लोग आस्ते आस्ते आज तक बीजेपी को यहाँ जिताने से आका बहुमत लेने से आका। तो अभी इतने दिन बहुमत लेने के बाद में गवर्नमेंट पावर के आने के बाद में अचानक 2019 को छुप के वही लोग बिना अनजान दिमाग बसियों जनजाति जो हम लोग के ब्रिटिश का अमूल पहले से हम लोग था, जो 1951 में जो अमेंडमेंट किया हुआ है जो हम लोग को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो संविधान में जो लिखा हुआ है उनको आज वही लोग डायलॉग कर जा रहा है। तो ये गवर्नमेंट का ये बहुत गलती काम है, क्योंकि आगे बढ़ने के देने के बोली में अभी डिक्रेस हो रहा है, डिक्रेस कर रहा है वो क्या गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऐसे करने का नियम नहीं, ये बहुत माने गलती हो रहा है। गवर्नमेंट का काम अगर पब्लिक को ऊपर में ऐसे अगर डिपेंडेंट नहीं करेगा उल्टा काम करेगा तो
हम लोग कैसे आगे बढ़ सकेगा। मैं तो एक भी सोच एक बार फिर सोच रहा है, दिमाशा हिंदू दिमाशा ट्राइबल हिंदू बन के बहुत मतलब खराब हुआ है, क्योंकि उन लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब में दिमाशा लोग हिंदू नहीं बनना था, दिमाशा लोग हिंदू बन के हम लोग का बहुत ठोकले मिला है। कैसे, क्योंकि पहले बार हम लोग मेघालय के साथ 1971 में जो हम लोग उन लोग के साथ स्टेट बनने के जाता था, तो असम गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट ने बोला जे आप लोग असम में रहो, आप लोग का 244 आर्टिकल प्रोविजन देखे उसमें ऑटोनॉमस स्टेट स्टेट विथ इन द स्टेट ऑफ असम ऑटोनॉमस स्टेट हम लोग को प्रोविजन रहेगा, उसमें आप लोग का ऑटोनॉमस स्टेट मिल जाएगा, ये बात बोला था। तो आज के दिन में ऑटोनॉमस स्टेट की बात सर अभी देख रहे हैं, उन लोग का जो बिल जो ड्राफ्ट करके रखा है उसमें देख रहा है जे हम लोग का जो रिवेन्यू टैक्स असम गवर्नमेंट से शेयर होने मांग रहा है, तो हम लोग को तो क्या रहे पावर बढ़ाने के बदले में और कमती कर रहे। राजनाथ सिंह खुद से बोला था 2015 को कैल्सर हॉल में बोला था अगर बीजेपी गवर्नमेंट रूलिंग होगा तो ऑटोनॉमस स्टेट आप लोग को दे देगा, ये बार बार बोला था। खिरौनी में आई के भी बोला था एलके आडवाणी साहब ने जो अगर बीजेपी रूलिंग होगा सेंट्रल में तो आप लोग को ऑटोनॉमस स्टेट दे देगा, ये बोला था कि ऑटोनॉमस स्टेट देने के खिलाफ में या कहीं भी जहां भी बीजेपी का बड़ा बड़ा सभा होते थे वहां अपने पार्टिसिपेट भी किए हैं और उन लोगों का जो वादा वो भी अपने यहां जिक्र किए हैं। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जो सिक्स जिल प्रोटेक्शन कमेटी का जिसके कारण ये प्रोटेक्शन कमेटी बना। मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ कि हमारे सामने मौजूद हैं ज्वेल गोरलसा जी जो ट्राइबल के लिए खास वो आंदोलन करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने जब से न्यू ईयर तब से उसने इस साल के बारे में क्या होने वाला है उसको भी उसने न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के साथ साथ उन्हें उसने भी चलते हैं आज का हंगर स्ट्राइक के बारे में। आपको मर्जी है आप कौन सा भाषा में कंफर्टेबल है उसी भाषा में बोल सकते हैं। सबसे पहला सबको नमस्कार, आदमी लोगों समझना है किस लिए एक्सट्रीम स्टेप लिया, खुश नहीं खाए के आंदोलन किया है, इंग्लिश में हंगर स्ट्राइक। हम लोग को इंडिपेंडेंट टाइम में हम लोग उनको फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी और जो जो लीडर था आगे में उन लोगों से फर्स्ट अनटू डेट भी किया था। जब तक हम लोगों को डिमांड फुलफिल नहीं होगा हम लोग पीसफुली शांति से हम लोग लगने से हम लोग प्राण भी जाने दो। तो आज में हम लोग मतलब मार्च 30 तारीख हम लोग को एनसील ऑटोनोमस काउंसिल डिमासो काउंसिल में हम लोग कागज दिया था, हम लोग को ग्राम पंचायत सिस्टम तो दुख रहा है। 125 अमेंडमेंट बिल में कुछ आलोचना करना है, हम लोग अच्छा को लिए अमेंडमेंट होना है, ये कुछ जवाब नहीं दिया। 30 मार्च में उसके बाद में आज बुध दिन हजार आदमी आए के हम माई बांग में रैली किया था, हम कुछ माननीय चीफ मिनिस्टर को भी मेमोरेंडम दिया था। जिनी जिंग ना जिनी मखान जिया ही लिंगा ही जिनी एले जिंग खामा नांगा एवो हाफ लॉन्ग डिप्यूटी कमिश्नर ऑफिस नी सिकांग हा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नी सिकांग हा वोके खामो हाफमा नांग दु सीरियस लामा नांग जिन्हें एवं मासी हथियार अहिंसा चिरे
नॉन वायलेंस चले जिने रेडिट चले माने समय निया का तो लास्ट सही का अनंत शर्मा कमिटी चटा मासी होसम स्लम्बा हिमाचलनी एमपी दंग बाबो जिनी जंग जानी गराउथाय हा रांग थि गिरि जिन दिमासा दंग बा बेले जिं देश सालाय दं हुनि अखन आ गुफसारावबो जिन दि महाराजा गोविंद चंद्र नि एक्सपायर यखन हा थिबान यखन हा हरि बुनि आकार बुन सेनापति तुलाराम हरि मसा नंगुलराम बकुलराम थिबा यखन हाबो 1854 यखन हाबो जिनी हाटाननि मालिक जिं और जिनी बदारा दिशा गामाफुया चिटर जिन पावर याबा 1947 15 अगस्त याखोना जिन स्वाधीन माइबन याखोना बो पावर इंडियनरी बस्ती ठीक है बो पावर के दुआ लूट पुट चाखा दुआ गोटे टोंग एरो जिन के पावर माइजो फुया जिन हानी मालिक जिन के जाजो फुया ओरे बनी दुखु नंग याबा गराउ थैसे जिन खाजा बानि जिन दिनि जियालिंगा जिन टोंग याति होया बस्ती बोगे खामा हाबमा नांग इसर बागे बोद्री दारित सेठी इन हटान के देश के काउंसिल के जिन राउकी मनांग दुबान से जिन डोंबा ये ब्लामहाबो मनांग हा जिन थिबा बांका जि खोबा बांका बाबरो मामारो बुबी याबा बांडो याबा बडा याबा पुलिंग याबा बोगे बुजी खाबो हा जिन हाउस इन बाय अगेंस्ट निया जिन काउंसिल नि अगेंस्ट निया मोस्ट पार्टी नि सुनि अगेंस्ट निया जिनने बोद्री बोजिंग छिया जिन हाथान के राउखी इन जागा के राउखी इन हाग्रा बंग्रा के राउखी जिन फटाइन दांगिया बा सुबों जिन फटाइन दांग कुमा नांगदु गाउफों खामा ने नो दांग मा ने जिन फक्ता रामा नांगदु जिमन एलिंग मा ने छोलिमन ना जिन नारेम मा नांगदु ओ कला कनन खमो हाबिया बा ओडे हे गम पंचायती बस्तुला हाब्री ड्यूटी बिशिं बिशिं माना जिन खान चलो नदी सिग्नेचर रिबा गम पंचायत डेवलपमेंट प्लान हा इनी 25 सितंबर 2019 हा बोनिंग पंचायती बुमुला हापालंग बस्ते तो पंचायती बुमु रबिया खान ने दोबो दिया दिया ऑफिसर थांग पंचायत कोऑर्डिनेटर सिरदा बाय गुदुको जिन दिनि हाउस का हम बा हम यति मा फाया खामा हाब ले जिनी खेपरे प्रांग उम्रांसो मंदिर दिशा प्रांग दिटक सर बेसेंगा ब्ले दों बुजी जिंगे बाई जिंगे सलाइमा वो नहीं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो नहीं डिस्ट्रिक्ट कौन सी सिटी का दिनी स्टेट प्रांग से बेथों दरीबा काउंसिल नी एम सी एम चेयरमैन नी बेथन दरीबा मनांग परांग सिफाई ड्यूटी बस के अगेंस्ट लाया ठीक है जिन पावर खम जाबा सियाबल बोस्ती आ दोहा 5 मार्च 2020 हा लोकसभा हा राज्यसभा हा आनंद शर्मा कमिटी लाइसितांग संखा दोहा खसा जिन काउंसिल नी दारा दिशा के स्लाइड स्टाडा स्लाई बहा बेदे जानां बोसे जिन कामांग बा हम मिटि स्लाइनांग ना हम मिटि सालाइनांग दे काउंसिल के 30 मार्च 37 तारिख मार्च सा जिन लाइसिरी का बस जवाब करे बा बंगा गेदे रिलीक लाइक 27 मे खाली चीफ मिनिस्टर ने लाइसिरी का ओरा बा मसि जवाब करे को दे बस दिनि जिन रे खम्मा ग्लाइबा ओदे मसि लोंग नाय खा डाकना सुनि हाजबारी लोंबाने काउंसिल प्रिंसिपल सेक्रेटरी नॉर्मल निगेटिव पर जिन्हें ने लाइसी रिया शेरे लॉन्गला बाबो दिनी थिप्रा सराव हंगा के ब्रीन अंग जाऊँ मुझला रेडी स्टी ग्राउ मशीन से बंसी फना सराव बो दे फाइटिंग का पंचायत का बो जिन्हें ट्रेडिशनल बिल सिस्टम पकला डोंगमा दरबार सुनाऊँ तेरे जिंगला रैपिड नहीं है बाला जिन नोले के बिने यावो इमा मनंग गड़ा प्रांग जिंग असबा नोले हा केस मुकदमा जाला सुले डोले जाला डोठाई लाई लाजिन नोले हा जिने कंबरा लेवल मुजरी लेवल लाजिं बिसार फाइडू बोकला रेपी देंगे अच्छी
बुझीमा नांग दुटी खामो हाब्बा नांग दुटी फनासाराव दा मिटिंग नि एमओ चेयरमैन कमिटी नि गेदे जाहि दं पुरा डिपार्टमेन्ट माइका गारी माइका बुनि स्टाफ दं बुनि अफिस ग्रांसि दं बुसिला क्रेप कलंदा दा सानलाय थार दु बुसि पार्टी साया देश नि हाटन सिटी हाटन नि ग्राउटे सिटी बुसि कांग्रेस ओरा दं ऑल हिल्स पार्टी लीडर कॉन्फ्रेंस आसा बजाला छिंग जिंलागो मुज जब माया सिला जिंलागो ले जिं हप्ता सिथिबा हप्ता सिथावया बजिं आंगास्ते जिं दुआ दोंमासे खाटान नि हमबा निखलाय दादा ओके खरावर कला सना फायदा दा थिबा 25 बोसोर याखो ना निसि दिमा सारो स्टेट नांग जमा दो थियाबा दो सुगाव गिबि इमरान मेघालय थांकाला जिन दो एमएलए बांगलो हिमाय खामो दिनि नांगले ना दिमापुरा 20,000 जों एमएलए मासि माइदु उरहा मनाङा 500,000 जों एमएलए मासि माइबा बोला जिन थांबाय आखा थाखा बवा जिन दिन आर्टिकल 244 ए रिबा माना टू 244 ए के जिरि खावि काजस दिकम्बो इलेक्शन देलांखा एमसीएम एमएलए जाखा बाय बुनि अकाउंट एसडीसी बो देलांखा ओदे बानि बुनि समय हा खारोर थिबा सानसि दे जोंखे गोटे डर नाइसलाफुर जिन संविधान हा इंडियन कन्स्टिट्यूशन हा आर्टिकल 244 ए रिबा स्टेट बिसिंगा स्टेट ऑटोनोमस विदिन आसाम स्टेट स्टेट विदिन स्टेट जबकि बहुत जिंग नांगलैमा नांगा जिंगे पावर कमक्लैमा से नलेश्वर के सिंगिया डांगिया नबदी लंगुखर नलै हा सिमेंट फैक्ट्री खामरिका नलेश्वर मुस्म मिथिलाया फानासरनि 2720 हेक्टर 5,900 ने बांगदाव बिगा नलेश्वर के मुसिने नुसिलायदा सिंगे दादा काफाटा बुसि लाबदे माइमा दु नलेश्वर जिंला क्रिपनि बुब्रा सिटिना जिंला मानां फ्रां ओलिसि सोलि फायबा दाना पुरा हा गामबुरानि नलेश्वरनि राजि रावनि बुनिंला लेन्ड राइट्स थियाबा जिनि हानि मालिक ला जिं निया खाथि दाखना खेपरे गेदे बो जामा लांदिं आथिखालियाबो जामा हारांग जबो जामा गुंजुं दिहांगि दिंबरा हबो जामा एलि बरबानि दोलाय थिगा दे जिनि राहा खासना सुखमाने बांबि कोइला दं लाइमस्टोन दं दो थौ बायगुखा लांदिं आथिखालि गेदे दिं आराम जों स्टेट मासि जों सालाय फुदु रिंगाराव गिरगाराव बो सिलेकर अलग 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 जो जैसे गोरखाली बंगाली भी मौजूद है जो पहले ब्रिटिश के समय से इस उत्तरकाशर या एनसी हिल्स में जो रह रहे हैं। फिलहाल तो ये इस डिस्ट्रिक्ट का नाम मॉडिफाइड चेंज होकर के डिमासा हुए, लेकिन हम अभी जाएंगे सीधा मार कम्युनिटी जिसका नाम जिम नगरटे। अभी इस का जो मुद्दा है उसको तो सभी ने बताया, लेकिन अब यहाँ बैठ कर के क्या खुशी है, क्या महसूस पा रहे हैं, इससे आप लोगों का काम सक्सेस होगा या कुछ क्या कुछ एक खासा ठीक है? ये तो फ्यूचर की बात है, फिर भी हम जो करना है स्टेप। मैं पूछने का मतलब है, जब से ये कमेटी बना है तब से आज तक कुछ रेस्पॉन्स मिला है? रेस्पॉन्स अब तक में कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला गवर्नमेंट की ओर से। मिलता रहा तो हंगर स्ट्राइक यहाँ में आज में हम लोग यह ऑर्गेनाइज कर लिया, ये तो बहुत दुख का बात है। फिर भी इसमें कारण क्या है, जैसे कि हम बोला यहाँ में हम लोग बहुत कुछ प्रोग्राम लिया, जैसे कि मायबांग लिया, बहुत जगह में बहुत कुछ किया। इसके बाद में मेमोरेंडम बहुत कुछ एड्रेस में हम लोग दिया हुआ है, इसका रेस्पॉन्स हम लोग मिलने का होप था, फिर भी अब तक में हम लोग मिला नहीं। इसी वजह से आज में ऐसा प्रोग्राम लेने का ज़रूरी हुआ। और साथ में यह है, बीच में कोई ऐसा हो जाता कि हम लोग अपना हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कोई लोग ऐसा हो जाता कि को हम लोग कोई किसी को बताता चलो हम लोग 125 अमेंडमेंट बिल में हम लोग ट्राइबल्स लोगों को इसमें चलो इसको हम लोग हाईलाइट करते हैं बोल के हम लोग बहुत लोग को अनुरोध किया। इसमें कोई लोगों का एक मानना है कि एक यहाँ में बहुत ज़रूरी है, आज का आपका माध्यम से इसको हमारा जनता को पहुँचाना पहुँचना चाहिए कि हमारा 125 अमेंडमेंट
बिल में वो जो है शेड्यूल ट्राइब का जो पावर डाइल्यूशन होता है इसको चलो हम लोग जिगर करता है, चलो हम लोग इसको जरिए हम लोग चिल्लाता है, आवाज़ पहुंचाता है बोल के बहुत लोग को हम लोग बोला है, इनवाइट किया है, इसमें कोई किसी का रेस्पॉन्स ऐसे मिला कि चलो जो भी रहेगा ये क्या है, वो दूसरा का नहीं मरे से हम अकेला किस लिए मरेगा, हम भी लोग नहीं मरे से हम भी तो नहीं मरेगा। बस ये थिंकिंग जो है ये चीज़ तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट से जितना स्पेशल हम लोग ट्राइबल का ओर से ये चीज़ तो हटाना चाहिए, तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट अच्छा के लिए कौन आगे जाए, कौन बढ़ेगा, तो अपना राइट्स बचाएगा कौन, तो जो है अपना राइट्स लैंड राइट्स, लैंड राइट्स के जरिए सब कुछ यहाँ में बहुत कुछ यहाँ में शामिल हो जाता। लैंड राइट्स यदि खो दिया अपना कल्चर अपना सब कुछ इसके रिलेटेड में खो जाएगा। इस कदर से हम लोग यहाँ आया है जैसे कि हम लोग जरना है लीडर्स लोग भी अपना पेट अपना पॉकेट का पैसा खर्चा करके अपना डिस्ट्रिक्ट भलाई के लिए, अभी वो लोग रो रहा है, हम रो रहा है अभी फिलहाल, हम खुशी से यहाँ बैठा नहीं, हम लोग रो रहा है किस लिए जगा नहीं हम लोग का डिस्ट्रिक्ट को, यहाँ में शेड्यूल ट्राइब जो है हम लोग का पावर जो है बहुत डाइल्यूशन हो गया, चलो हम लोग आवाज़ उठाते हैं बोल के हम लोग आवाज़ उठाया, बहुत जगह में प्रोग्राम भी लिया है, सक्सेस भी हुआ, फिर भी गवर्नमेंट का ओर से अब तक में अच्छा रेस्पॉन्स आया नहीं है, इसलिए हम लोग दुख है। जो भी है काउंसिल में बैठा जो भी या नेशनल पार्टी का लीडर्स लोग है, हम लोग इन सबको हम लोग अपील करते उठाओ सेंट्रल में स्टेट में, हम लोग बहुत छठा यह बैनर है सेक्सुअल प्रोटेक्शन कमिटी, ये खाली यह हाफलोंग में है, ये भी एनजीओ है, एनजीओ का जरिए हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं चलो हम लोग को मदद करो, नेशनल पार्टी जितना लोग है नेशनल पार्टी का जितना लीडर्स लोग है चलो, और सेंट्रल में हम लोग का जो डायलेशन जो हो रहा है, हम लोग फ्यूचर बहुत ये बहुत ख़राब है, फ्यूचर बहुत डार्क है, बहुत अंधेरा में हम लोग फ्यूचर, इसलिए चलो हम लोग जागते हैं, चलो जागो और देखिए, इसलिए आज में हम लोग ये प्रोग्राम लिया जैसे कि हम लोग यहाँ पॉइंट लिया है इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 244A, यही का जरिए हम बच सकता है, और रिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 125 अमेंडमेंट बिल, ये रिविजन हमको चाहिए, साथ में विदड्रॉ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान इन दिमा हसाओ, साथ में इम्प्लीमेंट गवती हाई कोर्ट ऑर्डर एंड फॉर्म कमीशन टू फ्रेम काउंसिल इलेक्शन रूल्स, और इमीडिएट इंक्रीज इन असेंबली स्टेट असेंबली सीट एंड सेपरेट लोकसभा सीट फॉर दिमा हसाओ, मीन्स इन रिलेटेड टू नॉर्थ कचार हिल्स अटोनोमस काउंसिल, इसलिए ये चीज़ हम लोग अब सबको हम लोग आपका जरिए हम लोग सबको रिक्वेस्ट करता है चलिए आइए जागिए जागिए, हम लोग का फ्यूचर बहुत अंधेरा में है, हम लोग डूब जाएगा। हाँ थैंक यू, ठीक है, इसी तरह हम लोग अपडेट देते रहेंगे कि आज से ये हंगर स्ट्राइक जो शुरू हुआ है उन लोग को कहने के मुताबिक सप्ताह भर भी चलेंगे, लेकिन आगे क्या होगा वो लोग उसको हम अपडेट देते रहेंगे, फिलहाल के लिए आज अभी का जो लाइव इसी पे अंत करते हैं, आप लोग देखते रहें हमारे साथ जो बोराइल न्यूज़, नमस्कार।